तो इसकी करती हूँ कटिंग आपके सामने। इसको ओपन करेंगे, देखेंगे कि इसमें और क्या है। और जी मैं यहाँ पे सहरी के लिए बना रही हूँ शलजम चिकन, शलजम बना रही हूँ। और प्याज ब्राउन करती हूँ, फिर चिकन डाल दूँगी। और ये मैंने टोमेटो और ये मैंने रेडी कर लिया जिंजर गार्लिक पेस्ट। और जी ईमान को भी नहला के फ्रेश कर दिया है, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए ईमान ने और बाल भी बना दिए हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जी व्लॉग का करते हैं आगाज़। उम्मीद करती हूँ आपको कल का व्लॉग अच्छा लगा होगा और जी आज की जो रूटीन है वो आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह। तो चलें करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। यस, और यहाँ पे जो है मैं अपने बेटे को चीज़ दे रही थी और वो मुझे नाराज़ होकर दिखा रहा था और फाइनली मान गया और वापस आ गया, मुझसे चीज़ ले लिया। तो इतने छोटे बच्चों को भी नाराज़ होने का पता होता है। तो जी चलते हैं, आप अपने जो है व्लॉग का आगाज़ करते हैं और अपनी रूटीन शेयर करते हैं। और जी जैसा कि आपने पहले देखा तो शलजम जो हैं वो बन रहे थे और सहरी की तैयारी हो रही थी और बस मैंने कहा जल्दी जल्दी से जो है वो सालन रेडी कर लूँ, फिर मैंने पराठे भी बनाने हैं। तो जी रमज़ान का तो इख्तिताम है और बस 6-7 रोज़े और रह गए हैं, तो बहुत दुख भी हो रहा है रमज़ान के जाने का। और अल्लाह ताला बस हमारे रोज़ों को, हमारी इबादतों को, जो भी हमारे से थोड़ी बहुत हुई अल्लाह ताला कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन। और जी यहाँ पे मैंने आटा गूंद लिया है, इसको रखती हूँ अब फ्रिज में और इसको हल्की आँच पर रखा हुआ है सालन को। अभी पानी है बीच में तो बस ये भी रेडी होने वाला है, 10 मिनट और लगेंगे। धीमी आंच पे रखा हुआ है इसे पकने के लिए और टाइम हो रहा है 2:30। बस आधे घंटे में जो है वो पराठे बनाना शुरू करूँगी, तब तक इसको फ्रिज में रखती हूँ ज़रा ठहर जाए आटा। और यहाँ पे सहरी हो गई थी रेडी और हस्बैंड भी आ गए थे और मैंने लेकर रख दिया था यहाँ पर सब कुछ। तो जी ईमान जो है वो शलजम नहीं खाती तो उसके लिए मैंने अंडा बनाया था। वेलकम बैक, इफ्तारी टाइम। तो जी यहाँ पर इफ्तारी के लिए जो है वो किचन में आ गई थी और सहरी के बाद मैंने कुछ नहीं शूट किया था और ड्रैक जो है वो अब इफ्तारी बन रही है। ये फ्रूट चाट हमारी रेडी हो गई है और अब बस। और जी ये वो सर्फ है जो मैं उस दिन लाई थी 5 यार वाली सूप से और मैंने शायद आप लोगों को नहीं दिखाया था, तो बस मैं आज कपड़े धोने लगी थी तो मैंने कहा इसको ओपन करते हैं और धोते हैं, इसे यूज़ करते हैं और देखते हैं कि ये कैसा है। तो यहाँ बस इसको ओपन कर रही हूँ और कपड़े धोना जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। इफ्तारी हो चुकी है, इफ्तारी के बाद जो है वो अब लगाते हैं मशीन और धोते हैं कपड़े। और ये सर्फ फ्रेंड्स बहुत ज़बरदस्त है, इसकी स्मेल भी बहुत अच्छी है और कपड़े भी इसने सही साफ़ कर दिए हैं, तो 5 रियाल का बेस्ट। और जी यहाँ पे मैंने अहमद को फ्रेश किया है, मैं धो रही थी कपड़े और अहमद को मैंने सुला दिया था और अब अहमद उठा है तो अहमद को फ्रेश किया है, नहलाया है, कपड़े पहनाए हैं और अपने बेटे की कंघी भी की है ना। शीशा देखता ना तो ये हंसता है अपने आप को देखता है जब भी। और जी क्लीनिंग वगैरह मैंने सारी कर ली है, कपड़े भी हैं वो जो भी धोए थे सारे वो समेट लिए हैं। तो बस अब जी भूख लगी हुई है, कुछ खाती हूँ पीती हूँ क्योंकि इफ्तारी के फ़ौरन बाद ही मैंने कपड़े धोने लग गई थी तो कुछ खाया पिया नहीं है। तो अब इस टाइम हो रहा है 12:30, तो अब हम जो है कुछ खाते पीते हैं, ठीक है मैं चाय वगैरह पीते हैं, है ना। चलो सही है, फिर मिलती हूँ आपसे बाद में। ये निकाली है बेडशीट, मुझे बेडशीट चेंज करनी है क्योंकि ये बेडशीट न्यू है मेरी और इसको बिछाते हैं क्योंकि मेरे 1-2 दिन में गेस्ट आ रहे हैं घर में, तो जब आएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको बताऊंगी। और तो मुझे जो है ना क्लीनिंग वगैरह करनी है घर की, बेडशीट वगैरह चेंज करूंगी और इसलिए मैंने आज कपड़े भी धो लिए हैं ताकि मैं फारिग हो जाऊं, फिर जो है ईद भी आने वाली है अभी इंशाल्लाह ईद के बाद ही धोऊंगी। तो मैंने जो पहले है ना वो क्लीनिंग अपनी कर ली है सारी घर की, तो बस इस कमरे की डस्टिंग वगैरह करूँगी फर्नीचर की और बेडशीट चेंज करेंगे, फिर जब इंशाल्लाह चेंज करूँगी तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी, सही है।
ये दलिया मैंने इफ्तारी में बनाया था तो बस वही खाने लगी हूँ, और खाते हुए तो अहमद मुझे लाजमी तंग करता था। ईद आ रही हो और स्किन केयर ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, तो जी साथों साथ करेंगे अपनी स्किन केयर और ईद की करेंगे तैयारियाँ। तो जी ये है मैं पार्ले गोल्ड क्रीम ब्लीच, और ये मैंने पाकिस्तान से मंगवाई है, अभी तक मैंने इसको ट्राई नहीं किया तो मैं इसको ट्राई करूँगी आज। तो इसको करते हैं प्रिपेयर और जी फिर अप्लाई करेंगे फेस पर, और फिर मैं देखूँगी इसका कैसा रिज़ल्ट है। देखने में तो लग रहा है कि वाकई अच्छी होगी, और मैंने इसकी एडवर्टाइज़ भी देखी है टीवी पर, तो होप सो अच्छी हो। तो इसकी करती हूँ कटिंग आपके सामने, इसको ओपन करेंगे देखेंगे कि इसमें और क्या है। अहमद आजो, इधर आजो, मम्मा यहाँ पे हैं, आजो मम्मा के पास आजो। बच्चे उस रूम में बैठे हैं, मैं अहमद से छुप के यहाँ आई हूँ। तो ये है, ये देखें इसमें से ये दो साशे निकले हैं, एक ये और एक ये, सही है। एक पाउडर होगा और एक क्रीम होगी। उससे पहले ना हमने क्या काम करना है, ब्लीच करने से पहले हम जो है ना फेस की अच्छी तरह क्लींजिंग कर लेंगे। उसके लिए मैंने एक छोटा सा टोमेटो लिया है, और इस टोमेटो के ऊपर जो है ना हम डालेंगे, उसमें हम डालेंगे बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा जो भी हो, लेकिन मेरे पास जो है ना वो बेकिंग पाउडर है, तो मैं इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर इसके ऊपर फैला लूँगी और इसको फेस पे अप्लाई करूँगी। इससे फेस की क्लींजिंग करूँगी अच्छी तरह, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है, ऐसे स्किन चमक जाती है इससे। तो पहले मैं ये करूँगी और फिर जो है ना मैं उसके बाद ब्लीच करूँगी। पाउडर मिक्स कर रही हूँ मैं इसमें फेस पे लगाने के लिए। अहमद को मैंने सुला दिया और अहमद ने जो है ना यहाँ पे अपने सारे खिलौने जो है ना वो बिखेर दिए, इनको समेटती हूँ और जी मान को फिर नहलाने जाती हूँ। मान को मैंने कहा आप जाओ मैं आ रही हूँ, और जी ईमान को भी नहला के फ्रेश कर दिया है, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए ईमान ने और बाल भी बना दिए हैं। हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। ये मेरी ड्रेस है, ये मम्मा ने हेयर बना दिया। चलो, और यहाँ पे हो गया सहरी का टाइम, और ईमान और मैं सहरी कर रहे हैं यहाँ पर। हस्बैंड आज नहीं आए, उन्होंने वहीं अपनी जॉब पे ही सहरी की है, बस मैं और ईमान कर रहे हैं, और इस वक्त अहमद सो रहा था। और जी तो बस सहरी करते हैं और रोज़ा रखते हैं। और जी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, और जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। सहरी का टाइम ख़त्म होने में रह गए हैं 10 मिनट, और जल्दी जल्दी से मैंने चाय जो है अपनी बनाई है, और अब मैं चाय पी रही हूँ। सहरी कर ली है मैंने और ईमान ने, वह चाय पीते हैं और रोज़ा रखते हैं, और साथों साथ अपने व्लॉग का करते हैं एंड, और इंशाल्लाह आपके साथ कल नए व्लॉग के साथ मिलूँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और थैंक यू फॉर वॉचिंग मेरी वीडियोस को प्यार देने के लिए, देखने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे व्यूअर्स का। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे अपने अपने घरों में, आमीन सुमा आमीन। तो रखिएगा बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।